नमस्कार मु माधुरी आपण देखुछन्ते अर्गस अपडेट प्रथम हेडलाइंस नीलगिरी प्रवेश कले झाड़खंड हाथी पोल रे रहिछन्ते पांच दंता सात छुआ समेत 42 टी हाथी व्यापक धान फसल नष्ट करितबा अभिजोग आतंक रे स्थानीय बासिंदा घोड़ाइबा को वन विभाग रो उद्यम चले नीतीश को राजाभिषेक उपमुख्यमंत्री को नहीं जारी रही सस्पेंस एनडीए बैठक में दलर नेता निर्वाचित तो हेले नीतीश सरकार गठन नहीं राज्यपाल को देले दावीपत्र अनिश्चितता घेर में भारतमाला प्रकल्प 2015 केन्द्र सरकार को घोषणा पर भी तत्परता देखा राज्य सरकार एजाए मिलनी परिवेश मंजूरी आंतरिकता अभाव आगे पारुनी कार्य स्थानीय अंचल जन जिलापा नाँ लगे आईपीएससी दफा 302 पीए देवनारायण पंडा मृत्यु केस्रे कोर्ट को निर्देश पर मामला रुजु अड़ुआ मलकानगिरी कलेक्टर मनीष अग्रवाल पीए मृत्यु पचरे जिलापा संपुक्ति न्याय मगुच्छ माँ चार वर्ष पर भी सरुणी अपेक्षा 2016 राजधानी में गेस्ट हाउस मिलता पुअर मृतदेह डीजी कमिश्नर को गुहारी कर निराश परिवार टंका कटला परे मेसेज न आसुथिले सावधान फेक कॉल हुए एथर सीधा अपरेटे नेटवर्क हैकिंग परे सिम क्लोनिंग रो शिकार हेले राजधानी रो युवक बेंगलुरु रो अमेजन पेरु ट्रांजेक्शन उड़ीगला 71,000 21 रो विधानसभा शीत अधिवेशन नवेम्बर 18 रे सर्वदलीय बैठक शासक दल को घेरिबा को विरोधीकरण नीति एथर प्रश्न व ऑनलाइन रे फाइल कारबार एवं आज महाराष्ट्र में खोल समस्त धार्मिक स्थली कोविड गाइडलाइन रे खोल समस्त मंदिर सामाजिक दूरत्व को गुरुत्व कोरोना पर दीर्घ 8 मास धरी बंद रही समस्त धार्मिक अनुष्ठान आज संपूर्ण खबर को प्रत वर्ष चलित वर्ष पुणी नीलगिरी को प्रवेश कले झाड़खंड हाथीपल झाड़खंड दलमा जंगल आसीथिबा एही हाथीपल मयूरभंज पर बालेश्वर जिला नीलगिरी रेंजर दुर्गादेवी सोननदी पुंदाल काठपाल पाटना परे अयोध्या गोपालपुर रास्ता अतिक्रम कर गोपालपुर संरक्षित जंगल को प्रवेश कर हाथीपल में पांचटी दंता और सतटी छुआ समेत 42 हाथी रही आसवा रास्त व्यापक धान फसल नष्ट कर देखा मिली सुरक्षा दृष्टि बालेश्वर डीएफओ विश्वराज पंडा निर्देश में नीलगिरी रेंजर मनुआर खान समेत बहु फरेस्टर गार्ड और सबुज बाहन उपस्थित रही हाथीपल को नियंत्रण करुछन्ते तबे हाथीपल आगमन जगू चाषी कूल तथा नीलगिरी बनांचलवासी भयभीत हो पड़ता देखा मिली पुणी आउ एक हाथीपल नीलगिरी मुहां होता बेले हाथीपल गतिपथ देखि घोड़ाइबार कार्यक्रम नीलगिरी रेंजर मनुआर खान जिलापा नाँ लगे आईपीएससी दफा 302 पीए देवनारायण पंडा मृत्यु केस्रे कोर्ट को निर्देश पर मलकानगिरी जिलापा मनीष अग्रवाल नाँ मामला रुजुरा जिलापा व्यक्तिगत सहायक देवनारायण पंडा मृत्यु प्राय वर्षे पर पुणी सामनाक आसी मामला कोर्ट को निर्देश पर मामला रुजु कर मलकानगिरी पुलिस मनीष विरोध में आईपीसी 302 506 201 204 120 बी 34 मामला रुजुरा मलकानगिरी रे किलर कलेक्टर जिलापाल नाँ से हत्या अभियोग मृत्यु वर्षक पर पुणी सामना को आसला मामला जिलापा मनीष अग्रवाल नाँ से हत्या मामला देवनारायण पंडा मृत्यु मामलें नुआ मोड़ सतीगुड़ा डैम निकट रू मिलता मृतदेह नुआ मोड़ नहीं मलकानगिरी जिलापा व्यक्तिगत सहायक देवनारायण पंडा मृत्यु घटना मृत्यु प्राय वर्षक पर पुणी सामना को आसी मामला मलकानगिरी जिलापा मनीष अग्रवाल नाँ से हत्या मामला रुजु कोर्ट को निर्देश पर मामला रुजु कर मलकानगिरी पुलिस मनीष विरोध में आईपीसी 302 506 201 204 120 बी 34 दफार मामला रुजु प्राय वर्षे पूर्व देवनारायण पंडा मृतदेह को सतीगुड़ा डैम रु उधार कर देवनारायण पंडा ऑफिस को जाते कि फेरी नथिले यापर निखोज होता नहीं थाना अभियोग होता यापर सतीगुड़ा डैम निकटर देवनारायण बाइक और हेलमेट मिलता अधिक खोजाखोजी पर डैम्रु मिलता मृतदेह तेज ये बड़ प्रश्न उठू केफिसर चाप जो जिलापा पीए देवनारायण मृत्यु होता मृत्यु पर देवनारायण पंडा पत्नी बनजा पंडा हत्या अभियोग करते पर लोके कोर्ट जाते
मालकानगिरी विक्रम स्वाई का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसिया परवर्ती खबर को भारतमाला प्रकल्प रे ओडिशा रा गोपालपुर रु पश्चिमबंग रा दीघा पर्यंत 451 किलोमीटर उपकूल जातीय राजपथ निर्माण करा छिपो। 2015 रे भारतमाला प्रकल्प ने केंद्र सरकार को पक्षरु घोषणा करा जायतिला, किंतु राज्य सरकार एथि प्रति तत्परता देखाउ नथिबारु प्रकल्प दीर्घ वर्ष परे मध्य आरंभ होइ पारु नाही। राज्य सरकार का आंतरिकता अभाव रु एही प्रकल्प आगे पारु नथिबा अभिजोग होइछि। राज्य सरकार एही प्रकल्प को गुरुत्व देउ नथिबारु आवश्यक परिवेश मंजूरी मिल पार ना, जहाँ लोकों मध्य असंतोष देखाई। प्रकल्प केवल घोषणा सीमित हो रही विरोध कर उपकूल जातीय राजपथ निर्माण मिलित क्रियानुष्ठान महामंच तरफ पुरी जिलापा एक स्मारक पत्र दि जाए। तेरे जातीय राजपथ निर्माण हेले उपकूलवर्ती लोक विशेष लाभवान हो पारे क्रियानुष्ठान आवाहक कहते। न्याय अपेक्षा रे मां पुअर मृत्यु को 4 वर्ष बीती जाइले भी मिललानी न्याय। एबे भी खोलार बुलुंट अभिजुक्त राजधानी ठू आरंभ कर उदला जाए न्याय पाई धाई धाई नयंत तो हेले सुभाषिनी कमिशनरेट पुलिस नवीन नवास सबुठ जनाई दुख हेले तदंत बदल हाथ बांधि बसी रही पुलिस, जहाँकि पुलिस कार्यकारिता उपर प्रश्नवाची सृष्टि कर। चारि वर्ष बीतीगला चुप बसिछि पुलिस, आखिर गड़ी जाउछि धारधार लुह। पुअर मृत्यु को 4 वर्ष बीतलाणी, एबे भी खोलारे बुलुछन्ति अभियुक्त, न्याय पाइ धाई धाई नयांत हेलेनी सुभाषिनी हेले तदंत आगौनी। 2016 जुलाई 16 तारीख उदला थाना नागपाल सुभाषिनी बेहरा पुह अक्षय पोथाल मृतदेह भुवनेश्वर डेलांग छकस्थित गेस्ट हाउस मिलता। पुओ को योजनाबद्ध भाव हत्या करा खंडगिरी पुलिस निकट में अभियोग करते अभियोग फर्द को धरी बहु सरकारी बाबू नेता मंत्री एपरिक नवीन निवास कबाड़ पिटिंट न्यायपाई हेले आज पर्यंत न्याय मिल पारिना। एपरिक सुभाषिनी भुवनेश्वर लोयर पीएमजी ठू आरंभ कर उदला तहसिल पर्यंत सबुआड़े धारणा देते सुधा कहीं दुख शुणिना। केवल पुअर फटो को साइत रखी गुमरी गुमरी कादुंत सुभाषिनी, कौन मुमि जानी मो पचर तो कही ना सरकार जे मत बुढ़ी लुक देखी नवीन नवास भी न्याय मिललानी पुलिस भी न्याय मिललानी कि कौन थी कांग्रेस आईर जो नरसिंह मिश्र द्वारस्थ भी है बीजेपी मीडिया अफिस् भी जा सबुआड़े बुले जा क्या न्याय मिललानी भितर मत के दूर न्याय मिल शासन कल के दूर न्याय दब से मत जना ना आम जानवर तो आज पर्यटन तक 4 वर्ष भितर से न्यायपाई जी दौड़े से न्याय पाइबा तो दूर कथा से निजक निजे भांगी पड़े आम सब आशा करय मिलवा उचित एवं मानसिक जंत्रण से मुक्ति पाइबा दरकार। अक्षय मृत्यु आज भी सन्देह घेर मृत्यु बेले अक्षय शरीर में अनेक क्षत चिन्ह रही पारिपार्श्विक परिस्थितर यह एक हत्याकांड स्पष्ट होता हेले थाना सेमिति अटकी रही मामला ना तदंत हो घटनार पर्दाफाश पुओ चलीगला पाखरे कई नहांती एवं बेसहारा सुभाषिनी योजनाबद्ध हत्याकांड जहाँ देखले जमापड़ी किंतु दुख एवं परितापर विषय जे एपर्यंत सुभाषिनी अपा न्याय पाई पारले नाही तांकर पुत्र हंता मानंकु धरा जाई नाही से सेथिपई उदोला अंचल ठो एही अंचल रु आरंभ करके भुवनेश्वर पर्यंत तांको ज्ञात सारे जिते नेता मंत्री जिते प्रतिष्ठित व्यक्ति जहाँ को धरले कि न्याय मिलिबो जहाँ को कहले न्याय मिलिबो से समस्त को अनुरोध करछन्ती से कहंती तांकर दुख कथा बहुत कहंती हाँ पुलिस रो पुलिस तदंतर अवहेला रहूछि नहले जणे गोटे हत्याकांड स्पष्ट अनुमय होता हत्याकांड कहीं आज पर्यंत धरा पड़ूनी निश्चित पुलिस अवहेला करछन्ती। प्रश्न उठुछे काहेकि तदंतर हेउछि विलंब अक्षयंक मृत्युर काहेकि खियो पाउनी पुलिस ना कहा चापरे मामला फाइल भितरे चपी जाइछि उत्तर रखिबे कि पुलिस कमिश्नर तदंत उपरे नजर रखुछन्ति त पुलिस कमिश्नर मयूरभंज जिला
ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଞ୍ଚୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर नील जहर गड़ मालकानगिरी स्वाभिमान अंचल गंजेई ना बुणा जाउछि विषर मंजी सचेतनतार अभाव चाषी को एभली बाट बाछिबाकु बाध्य करुछि। अनेपटे माओवादी एवं भय एवं अबकारी कारबार कला व्यवसायी भी एहाकु अधिक प्रभावित करुछि। गिरफ्तारी सीज भितर कमुनी गंजेई चाष और कारबार सबुठ बड़ कथा जाल निरीह आदिवासी शिक्षित युवपीढ़ी पढ़ुंट देखा अर्गस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वाभिमान अंचल नील जहर साम्राज्य बेधड़क गंजेई चाष बेफिकर धूआ भी उड़ुछि। स्वाभिमान अंचल सुरक्षा जाल भितर गंजेई रगड़ भय और भोक भितर बेआईन कारबार नील जहर गंथा घर पालिटी स्वाभिमान अंचल जहाँ को आज भी निजर रोजगार पंथा बाछी नहीं स्वाभिमान अंचलवासी ए भिजुआल ही कहूँ कि नील जहर विष बुणा जा लगुच गंजेई को मिली जाषर मान्यता आम आगर भी आम जाने कि छात्रानाम अध्ययनम तपहजोड़ा अच्छी पिलामानकर पाठ पढ़ाटा होछि सेमानकर मुख्य काम किंतु सेमाने पाठ पढ़ारु विरती रहिकिना सेमान सब लागि पड़छन्ति गंजे बेपार लागि पड़छन्ति तो सरकार स्तर रे एगुडाकर किछि निहाती किछि पदक्षेप निया जाउने सठी भाव रे फल रे एटार निहाती तार कुपरिणाम आम कहि पारिबा जदि सरकार इस दिगरे किछिटा नुवा पदक्षेप नै पारिबे आर कुप्रभाव विषय रे किपरि सेमाने जदि युव समाज को जणै पारिबे छात्र समाज को जणै पारिबे सरकारी स्तर रे किमा बेसरकारी स्तर रे कोनोसी भी चाकरी पंथा जदि जगै दे जाउछि ताहाले माने पसिकी अच्छा शिक्षित युवगोष्ठी मैंने पशिवार कारण कौन कहीं को चाकरी सुविधा ना आर तो जेहेतु मलकानगिरी जिला तो मलकानगिरी जिले में सेमकर मानते एमती कि निजर इनकम करने किसी सोर्स भी पाई ना जहाँफल कित बड़ खराब कम करने भी पछाऊना तो मुझ सरकार को अनुरोध करी सी जहाँफल भी मलकानगिरी जिला प्रति टे दृष्टि दिंतु लोक मैंने शिक्षित युवगोष्ठी चाकरी कि व्यवसाय उपर कि गोटे ध्यान दिंतु जहाँफल से जीवन में किसी गोटे भल कम करके आगे बढ़ी पारे। जदि तथ्य उपर नजर पकाइबा तेबे 2020 सेप्टेम्बर सुधा मालकानगिरी रे 72 गंजेई को नहीं मामला रुजु हो 24215 केजी गंजेई जबत हो 206 जन गिरफ्तारी और 73 गाड़ी को सीज करा जाइछे। डीजी मध्य गस्त करिछथि। स्वाभिमान अंचल 7 बीएसएफ कैंप प्रतिष्ठा होइछे किंतु बड़ कथा हेउछि विशेषज्ञ मतरे चालाण होउथबा गंजेई 90% जिला और राज्य भी पार हो जाए केवल हाईवे दे कि रास्त जा 10% गंजे ही पुलिस और अबकारी विभाग हाथ में पड़ुए जहाँ स्पष्ट करुच्छे पुलिस और अबकारी विभाग जानतरे ही कारबार चलुए नहले एभली खुलम खुला चाष और व्यवसाय चलवा असंभव। जो जगह जमीन पहाड़ पर जो मैंने हर कांदल करुले बिरी करुले मुग करुले सोरस करुले बजरा करुले बर्तमान से सब जमीन बर्तमान बहुत परिमाण में गंजे चाष करा किंतु वर्तमान बीएसएफ और पुलिस कब्जा कर सारे स्वाभिमान अंचल तथापि गंजे चाष बंद होना तेणु एथप्रति केन्द्र राज्य सरकार दृष्टि देवा दरकार लोकाल जो मैंने अच्छा युवगोष्ठी से बर्तमान गंजे चाष और गंजे बेपार पर आग्रह प्रकाश करते जेहेतु सेमकर कौन से कर्म निजुक्ति ना सारा भारत बर्ष रैकेट काम कर मलकानगिरी में किए गंजे चाष कर किए फाइनान्स करजे कौ समय तार कटाजी केमी सुखाज पैकिंग केमी कर लोकाल दलाल केतार किणवे आदिवासी लोक जो मैं चाषी जो माफिया मैंने अच्छा से परिवहन करके अन्य राज्य को नौकरी तीन टा डिपार्टमेंट बीएसएफ पुलिस एवं एक्साइज फॉरेस्ट जेहेतु जंगल अंचल हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बीड फॉरेस्ट गार्ड अच्छा से अंचल से सब जानते तेणु समस्त एककालीन गोटा समन्वय रखिकी गोटे गोटे एरिया चढ़ाऊ करता गंजे नष्ट करता
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚାଷ ପରି ନୀଳଜହରର ବିଷମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଉଛି। ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ ମାଓବାଦୀ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିକାଶର ନମୁନା ହେଉଛି ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିରବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆଉ କେବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିକ୍ରମ କେଶର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 18ରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୃହ ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କେମିତି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ବିଶେଷତଃ ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରଖିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାବି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କିପରି ହେବ, ସେ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବେ ବାଚସ୍ପତି। ଏହାସହ 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଣିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। 21ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। 29 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିନିଯୋଗ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଷ୍ଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବା ନ ରହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିକର। ସେଇ ଆବାରଟା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପଣ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆମେ ଗତଥର ପରି ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ ରଖିଛୁ। ସେପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହାସହ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳତା ଆଦିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକାମ୍ରକାନନ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ଥାନ କରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ କହିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ରହୁ, ବିଧାନସଭା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳୁ। 55,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ ଆଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହଚର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦେଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 30-35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କମସେ କମ୍ ଆହୁରି ଅଧା ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେ ଆମର ଯଦି 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ, ରେସିଓରେ ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାର କୌଣସି ବି ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି, ବିଜନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟିରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ରାଓ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲୁ, ସେଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବିଧାନସଭାର ଶୋଭା ରହିଲାନି। ଏମିତି କ'ଣ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେବ? କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଜରିଟି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ଗିଲେଟିନ୍ରେ ସବୁ ପାସ୍ କରି ନେଇ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହେବ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ଉପରେ ହେବ, ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯଦିଓ ଷ୍ଟାର୍ରେ ନକୁଛୁ, ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ସଦାବେଳେ ଘେରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରୁ ଇ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଆଉ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇଲ୍ ନେଣଦେଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କଟକ କାକଟପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲରେ 15 ଫୁଟର ଘାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ବାହାରଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରିମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁ ନିକଟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ହୋଇଛି ଘାଇ। କେନାଲରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଘାଇ। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ପାଣି, ଗାଁ ଦାନ୍ତରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି କେନାଲ ପାଣି। ତେବେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କାକଡ଼ପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଆମର ପାଣି ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ହରିମୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମର ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ସାଇ ଜଗୁରାଉତ ଘର ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପାର୍ସାଇ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ହତଚନ୍ତ, ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ବୁଡ଼ି ମାଛ ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଲୋକ ଗଛ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଗୋଟେ କଳ ପଡ଼ ଥିଲା, 100 ଫୁଟ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାସିଗଲା, ବାଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମଧ୍ୟ ଦେଖାନାହାନ୍ତି। दिवाली परे दिल्ली रे दयनीय स्थिति, दिल्ली एनसीआर रे वायु प्रदूषण स्थिति गंभीर। शनिवार 9टा जळीबा उपरे रोक सत्य स्थिति संगीन रहिछि, आतशबाजी पई असंभाल स्थिति। दिवाली परे दिल्ली रे दयनीय स्थिति, दिल्ली एनसीआर रे वायु प्रदूषण स्थिति गंभीर। शनिवार 9टा जळीबा उपरे रोक सत्य स्थिति संगीन, आतशबाजी पई असंभाल स्थिति। विश्व बलय रे दिल्ली प्रदूषण बढ़िबा सह विपद आड़कु अधिक ठेली होई जाउछन्ति दिल्लीवासी। एहा भितरे धीमा वायु प्रवाह स्थिति को आहुरी संगीन करिछि। दिल्ली रे वायु प्रदूषण रे 32% नड़ा जालिबा एवं आतशबाजी जोगु होइथाय। आउ एहा भितरे वायु प्रवाह धीमा जोगु प्रदूषण तत्व सबु एकाठी हेबार लागिछि। शनिवार प्रदूषणर स्तर प्रति क्यूबिक मीटर रे 2.5 रहिछि, जहाँकि विपद संकेत उपरे रहिछि। परेशानी तो सबसे पहले तो यही है कि गले में, गले को पकड़ता है, गले में बड़ी खराश होती है और दम तो घुटता ही घुटता है। हम तो, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद 100 सिगरेट एवरीडे पी जाता हूँ। नहीं, पटाखों से नहीं बढ़ा, ये पटाखों का पोल्यूशन नहीं है, क्यों पटाखे तो जहाँ सेल ही नहीं हुए तो इतने पटाखे नहीं आए यहाँ। तो जो बच्चे मुझे पुराने बच्चों के पास बच्चे हुए थे वो चला रहे थे, तो उससे इतना पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन का कारण और है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो कहिबा अनुसार आसंता 48 घंटा रे स्थिति आहुरी बिगड़ी पारे। दिल्ली रो किछ अंचल रे एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रे पहुंची छे, फल रे रास्ता रे यातायात बाधा प्राप्त होई छे। धुआं धुआं दिसुथुबा रास्ता रे गाड़ी रे बिना लाइट रे जीवा संभव हेउ नाही। दीपावली पई ए स्थिति आहुरी संगीन होइतबा कह जाउ छे। जदि वायु प्रभाव वृद्धि पाए तबे प्रदूषण मात्रा रे किछिटा सुधार आसी पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। समय सरिछि बुलेटिन कोइठि रखु छी, अधिक खबर पई देखु थांतो अर्गस न्यूज। नमस्कार।